अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अम्मी की किचन में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कुछ बंगाली डिश। तो जैसे कि हम लोग आज बना रहे हैं पुई शाक कोचू चिंगड़ी। तो जैसे आप लोग सामने देख सक रहे हैं, हम लोगों ने चिंगड़ी रखा है बहुत अच्छे से साफ करके। पुई शाक हम लोगों ने काट लिया है ऑलरेडी, और कोचू जो बोलते मतलब कच्चू, वो भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से छील लिया है और बहुत अच्छे से साफ़ करके रखा है। तो हम लोग आज आपको यही बताने वाले हैं ये रेसिपी किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। जैसे कि गाइज आप सब देख सकते हैं, यहाँ ज़ीरा पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी पाउडर है, मिर्चा पाउडर है, ऑनियन को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पेस्ट किया है, सॉल्ट है। तो चलिए फ्रेंड देखिए मेरी मम्मी किस तरीके से बना रही है, तो आप लोग भी उसी तरीके से बनाइए। हम लोगों का कढ़ाई गरम हो चुका है, सबसे पहले ऑयल दे दीजिए कढ़ाई पर, ऑयल को अच्छे से गरम होने दीजिए, बहुत अच्छे से ऑयल को गरम करना है। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्ट दिया है, उसके बाद हम लोगों ने जो ऑनियन का पेस्ट बनाया था हम लोगों ने ऑनियन पेस्ट इसमें ऐड किया है, उसके बाद हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट दिया है इसमें, हल्दी पाउडर ऐड किया इसमें, आप अपने अंदाज से इसे ऐड कीजिए। उसके बाद उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिर्चा पाउडर हम लोगों ने ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अब इस सबको आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से इसको भूनना पड़ेगा गाइस, जब तक ये बहुत अच्छे से मसाला सूख नहीं जाता है। ये देखिए इस तरीके से सूखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने प्राउन्स इसमें ऐड कर लिया है। अब इसे आप फिर से 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से भून लीजिए। और हम लोगों ने जो ऑनियन का पेस्ट इसमें दिया था फिर से इसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी देकर उसमें फिर से आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद यही पानी से ही आपको फिर से बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। 2 से 3 मिनट आप इसे फिर से बहुत अच्छे से भून लीजिए। देखिए साइड साइड में ये ऑयल छोड़ रहा है, और आपको इसी तरीके से ही भूनना है गाइस। अब हम लोग इसमें कच्चू ऐड कर रहे हैं। कच्चू ऐड करने के 3 से 4 मिनट तक आपको इसे फिर से बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, और थोड़ा थोड़ा पानी देना है और इसे भूनना है। तो जैसे देखिए मेरी मम्मी भून रही है, इसी तरीके से आप लोग उसको खूब अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद आप ज़रा ज़रा सा पानी इसमें ऐड करें और इसी तरीके से इसे पकाएं। देखिए बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है इसमें, और देखिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसी तरीके से पकाना है गाइस। ये कुछ इस तरीके से ही इसको आपको पकाना पड़ेगा गाइस, जैसे मेरी मम्मी बना रही है। अब इसके बीच में आपको पुई शाक इसमें अब ऐड कर देना है। इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि ये जो पुई शाक आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये बहुत अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए फ्रेंड्स। और मेरी मम्मी जिस तरीके से बना रही है आप लोग भी उसी तरीके से बनाइए, तो देखना कि टेस्ट इतना ही ज़्यादा आता है इसमें गाइस, कि आप बिलीव नहीं कर सकोगे कि ये इतना टेस्टी हो सकता है। तो देख रहे हैं मेरी मम्मी ऐसे ही बना रही हैं। अब आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे ढकने से ढक दे, ताकि ये अंदर अंदर जल्दी पक जाए। उसके बाद 2 से 3 मिनट तक आपको उसको रखना है, उसके बाद खोल कर फिर से आपको इसको हिलाना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। उसके बाद मिक्स 2 से 3 मिनट तक ही करना है गाइस, उसके बाद आप इसको फिर से आप ढाँक दें। ढकने के बाद फिर 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसे खोलें। खोलने के बाद अब इसे, ये देखिए साइड साइड में पानी छोड़ रहा है गाइस, क्योंकि ये साग है, साग में ऑलरेडी पानी छोड़ता है गाइस, तो ये इस तरीके से छोड़ेगा। उसके बाद फिर आप उसे अच्छे से मिक्स करें, और ये जो नीचे पानी छोड़ रहा है इसको बहुत अच्छे तरीके से भुने। उसके बाद आप इसे इसी तरीके से छोड़ दें।
देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हम लोग को ग्रेवी और सुखाना है फ्रेंड्स, इसीलिए हम लोगों ने ग्रेवी को फिर 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढक दिया है। अब हम लोग इसे खोल रहे हैं 2 से 3 मिनट के बाद। अब इससे हम लोग का टोटली ये पक चुका है गाइस, देख सकते हैं जैसा कि आप सब, मेरी अम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। अब इसे आप किसी भी बोल पे सर्व कर सकते हैं, ये किसी भी सालन के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, हो सके तो आप फिश फ्राई के साथ भी ले सकते हैं। और हम लोग यहाँ आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं कि हम लोगों ने ये रेसिपी किसके साथ लिया है। आप इसको किसी भी सालन के साथ ले सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से राइस को सजाया है, डेकोरेट किया है, और हम लोगों ने यहाँ सैलड भी ऐड किया, और हम लोगों ने यहाँ सैटिन फ्राई, जिसका रेसिपी हम लोगों ने आपसे कुछ दिन पहले ही शेयर किया था, तो हम लोग यहाँ सैटिन फ्राई फिश के साथ इसे हम लोग ले रहे हैं। तो आप लोगों को अगर हम लोगों का ये वीडियोस अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी अगर आप लोगों ने हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाए, ताकि आप हम लोगों का वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। और अब तक के लिए थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।